कर श्याम सिद्धिर् भवतु मे सदा। झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छूले गगन को, ऊंचे उठे और छूले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ना ज्ञान के दीप जला। सुन लो दिशा बुलाने हवाएं, नए राग गाने लगी है, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है हवाएं, नए राग गाने ज्ञान के दीप जला। सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में नमस्ते हरि हर सभी को, आप सभी का स्वागत है क्लास में। अंकित भैया, स्नेहल जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कल कुछ चर्चा करी थी जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन हम लोगों ने शुरुआत किया था, और हमने कल एक बात कही थी कि मैंने कहा था आपको परमाणु का स्ट्रक्चर जो है ना उसके बारे में थोड़ी बात हम करेंगे। जनक उच्चार्ट भाई का स्वागत है, छोटू अंकल का भी स्वागत है ना। तो हमने ये बात करी थी कि हम लोग थोड़ा परमाणु के विषय में समझेंगे, तो आज मैं उस किताब को आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन साथ ही साथ पहले हम कुछ परमाणु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ, 3 से 4 मिनट्स के 2 वीडियोस हैं, कुल मिला के 7 से 8 मिनट के वीडियोस।
अगर आपने अपनी कक्षाओं में इसको पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको जान लेंगे। इसके कारण आपको थोड़ा परमाणु या अंश या बाबा जी जहाँ कई कई जगह पर ये बातें करते हैं ना, तो उसे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे एटम्स। कल्पना कीजिए कि एक ईंटों से बनी दीवार है। ये ईंटें इस दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन ईंटों को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया गया है ताकि इनसे एक डेफिनेट शेप या पैटर्न बन सके। सिमिलरली यूनिवर्स में सभी मैटर एटम से बने होते हैं। यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी के अलावा एटम से बनी है, यानी सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक एटम ही होते हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं। एटम्स उस हर चीज से छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एटम का मतलब परमाणु है। एक बहुत ही पतली पेपर शीट को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि हमने कहा, सभी मैटर एटम से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट मैटर डिफरेंट एटम से बनते हैं। इन डिफरेंट एटम्स को एलिमेंट्स कहते हैं। अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक नाम और सिंबल होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के पास फिक्स एटॉमिक मास होता है। इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्बन एटम का यूज करते हैं। एटॉमिक मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास यूनिट कार्बन एटॉमिक मास के 1/12 के बराबर होती है, जिसमें कार्बन एटॉमिक मास 12 यूनिट के बराबर होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस लकड़ी के टुकड़े को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हम हर एक पार्ट को वुड मास यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कार्बन एटॉमिक मास को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, तब हर पार्ट एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यह कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एग्जांपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देख ओके आपको बात समझ में आई। खास तौर पे मम्मी के लिए वीडियो था, है ना मम्मी? आपको बात समझ में आई कि क्या कह रहे हैं, किसे परमाणु कह रहे हैं? अगर किसी भी कोई भी वस्तुएं जो हैं वो परमाणुओं से ही मिलकर के बनी हैं, है ना? ठीक है, तो ये परमाणुओं से मिलकर के बनी है, जो कि सबसे छोटे से छोटी चीज है। ठीक है, इसके आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या उनको बाबा जी ने अंश कहा है। और इसके बाद हमारे पास जैसे डाल्टन आए, रदरफोर्ड आए, और उसके बाद बोर बरी का मॉडल आया है। तो मैं बोर का जो मॉडल है ना, उसको रदरफोर्ड के कंपैरिजन में दिखाने का एक बार और प्रयास कर देती हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है एक रिवीजन तो फिर भी मिल ही जाएगा आपको। आपने दीदी आपने कहा ये परमाणु है, ये अणु है ना, मॉलिक्यूल्स बोले ना उन्होंने? नहीं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं अंकल, ये अणु का मॉडल है। दीज आर एटॉमिक मॉडल्स। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स से मिल मिल के बनते हैं। हाँ हाँ, तो ये अच्छा एटम, ये परमाणु का मॉडल है। दीज आर एटॉमिक मॉडल्स। हाँ, एटॉमिक मॉडल थ्योरी। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ ऐसे पिक्चर्स के फॉर्म में देखेंगे ना, तो चित्रण होना आसान होगा जिन लोगों को ठीक से नहीं बैठा है ना, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। ठीक है,
ओके, दूसरा देखते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1915 में डिस्कवर किया। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये जो बोर हैं, उनके पहले रदरफोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे या वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो कुछ मॉडल बता रहे थे जिसमें कह रहे थे कि जो एटम है ना, परमाणु, परमाणु कुछ अंशों से मिलकर के बना है। ठीक, इतनी बात समझ रहे थे। उसको उन्होंने फिर बाद में चैडविक और इस तरीके के बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक की बात कर ली, है ना। और वो उन्होंने उनके आवेश के हिसाब से कुछ कल्पना किया। ठीक है, वो कल्पना मात्र है, प्लस माइनस जैसा अस्तित्व में कुछ नहीं होता है। ठीक, खैर, रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये कह रहा था बीच में, सेंटर में एक नाभिक में कोई एक अंश रहता है ना, और उसके चारों तरफ जो है चक्कर काटते रहते हैं। इससे पहले दो और मॉडल आए थे जिनके वीडियो मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन एक मॉडल था थॉमसन का मॉडल बोलते हैं उसको, है ना। उन्होंने ऐसी कल्पना करी थी कि एक तरबूज में जैसे बीज धंसे रहते हैं ना, इस तरीके से किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन या अंश जो है वो धंसे रहते हैं, इस तरीके की कल्पना करी थी। फिर रदरफोर्ड नाम के दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने ये जो कल्पना अभी जो आप सुन रहे हैं ना, ये रदरफोर्ड की कल्पना को आप सुन रहे हैं। रदरफोर्ड की कल्पना को गलत सिद्ध कर दिया और मतलब उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए, कुछ चीजें आगे बढ़ाई और बोर ने अपनी तरफ से कुछ कल्पना जोड़ी। ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन आगे जो है सभी थियोरीज हैं, ये सिद्धांत हैं। किसी ने आज तक परमाणु को अपनी आंखों से नहीं देखा है। ठीक है, ये सभी कल्पनाएं मात्र हैं। और मजेदार बात यह है, बाबा जी ने परमाणु को अपनी आंखों से देखा है और जो मनुष्य ने कल्पना की है, मनुष्य कल्पना कर करके भी काफी करीब पहुंच गया। ये सबसे मजेदार बात है। ठीक, मैं इस चीज को फिर से चला रही हूँ, आप ध्यान से अब सुनिएगा कि ये क्या कल्पना कर रहे हैं सामान्य लोग जो हैं, है ना, जो हमारे वैज्ञानिक है, किस तरह की कल्पना कर रहे हैं। वीडियो में हम समझेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1915 में डिस्कवर किया। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। आपने अगर देखा हो, यहाँ पर बाईं तरफ जो है वो नील बोर का मॉडल बनाया और दूसरी तरफ रदरफोर्ड का मॉडल बनाया है। ठीक है, फोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने, न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक, नाभिक मतलब नाभि, नाभि मतलब सेंटर, केंद्र वाला मॉडल है। एक केंद्र होता है और केंद्र के चारों तरफ जो अंश हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार एनर्जी लूज करते रहे तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल माना जाता, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। आप देख पाए रदरफोर्ड ने क्या कल्पना करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन या अंश है ना, जो परमाणु अंश हैं, वो घूम रहे और चूंकि घूम रहे तो एनर्जी चाहिए उनको घूमने के लिए,
है ना, एनर्जी घूमने के लिए थी, तो कह रहे हैं घूमते 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 क्या उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, और अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे, क्योंकि नाभिक जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। और ये सारे डाउट उनके दिमाग में इसलिए आ रहे क्योंकि उनको ये नहीं पता इन अंशों को ऊर्जा देने वाली वस्तु क्या है, ठीक, तो वो इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है। ठीक है, हमारे सहस्तित्ववाद में बाबा जी ने बताया ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो ये व्यापक में डूबे भीगे गिरे रहने के कारण से ऊर्जा आ रही है। ठीक है, तो रदरफोर्ड पहुंचे तो सही जगह थे, लेकिन उसके बाद वो स्रोत नहीं बता पाए ऊर्जा का, इसलिए उनका मॉडल हो गया फेल। और फिर बोर बरी नाम के दो लोग आए, उन्होंने फिर आगे बात करी, देखिए आगे वो क्या बात करते हैं। इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने 1915 में एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया, जिसे बोर मॉडल ऑफ एटम नाम दिया। बोर थ्योरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और साथ ही इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी होती है। आइए अब जानते हैं बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स यानी शर्तों के बारे में। फर्स्ट पोस्टुलेट, एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं, और हर ऑर्बिट और शेल के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। सेकंड पोस्टुलेट, ऑर्बिट या शेल के पोजीशन को हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी लूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ओके, तो आपने देख लिया मॉडल, जिन लोगों ने पहले से देखा हुआ है उनका उनका एक बार रिवीजन हो गया। मुझे बताइए बोर जो ये मॉडल है, इस मॉडल में कमी क्या है, है ना? हमने क्योंकि हमने बाबा जी का दर्शन भी पढ़ी रखा है, बताइए क्या कमी आपको लग रही है। रदरफोर्ड ने जिस तरीके का मॉडल दिया, बोर ने उसमें एक कमी निकाली। उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, नाभिक में गिर जाना चाहिए क्योंकि वो ऊर्जा का ह्रास कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कमी ये निकाली थी कि जो रदरफोर्ड है ये बता नहीं पाए ऊर्जा का स्रोत क्या है। बोर भाई साहब आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सबके पास ऊर्जा होती ही है ना, अपना अपना ऊर्जा का स्तर है। ठीक, ऊर्जा का स्तर है, लेकिन इन्होंने भी ये तो नहीं बताया कि ऊर्जा आ कहाँ से रही है, बता पाए क्या, नहीं बता पाए, है ना मम्मी, आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो इन्होंने भी ये नहीं बताया ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक, अब ये नहीं पता चला कि ऊर्जा का स्रोत क्या है तो फिर काम नहीं बना। इन्होंने कहा है बस, कहीं से है ना, कैसे है वो पता नहीं। उन्होंने कहा अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग जो कोश हैं, अलग अलग जो शेल्स हैं, उनके अपने अपने कुछ उनके पास रहता है लेवल। फिर कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो कह रहे हैं कि ऊर्जा का कुछ उसमें ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा गेन करता है। अब ये गेन कहाँ से कर रहा है, लूज क्यों कर रहा है, इस क्यों का भी कोई उत्तर मिला नहीं। ठीक है, मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से इस सिद्धांत को अस्थिरता अनिश्चयता, उसमें कोई चीज प्रयोजन पूर्वक नहीं घट रही, सब कुछ केओटिक है ना, अस्थिर और अनिश्चयता, ये मूल मूल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है, और जीवन परमाणु जो हमने देखा है ना, वो भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैं चाहती थी आप इसको एक बार देख लें। अंकित भैया, आपको आपको ध्यान में आई ये बात, अभी एटॉमिक मॉडल वाली बात ध्यान में आ गई?
हाँ थोड़ी थोड़ी मैं भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसको एक बार और देखेंगे धीरे से। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे शेल्स फिल होते हैं, है ना इसको, पर अभी थोड़ा सा इसको पचने दीजिए। ठीक है चलिए, तो आज का हम लोग पठन शुरू करते हैं। बढ़िया। ठीक, तो कल हमने विकल्प को पढ़ लिया था, है ना, 7 पॉइंट्स थे विकल्प में, और आज हम लोग सत्यापन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट है, मैंने जहां से शरीर यात्रा शुरू किया वहां मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि धुन के रूप में सुनने में आते रहे। परिवार परंपरा में वेद सम्मत उपासना आराधना अर्चना स्तवन कार्य संपन्न होता रहा। ठीक है, हमारे परिवार परंपरा में शीर्ष कोटि के विद्वान सेवाभावी तथा श्रमशील व्यवहाराभ्यास एवं कर्माभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियां मुझको स्वीकार हुआ। विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। ठीक है, हमें अपने परिवार की कौन सी बात एक्सेप्ट, कौन सी बात हो गई, जो श्रम है और सेवा, ये दोनों बातें एक्सेप्ट हो गई, और जो विद्वता वाला पक्ष रहा, है ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क के आ गया कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो गया। ठीक है, ये इनका प्रश्न रहा, तो इसके कारण से वो स्वीकार हुआ नहीं। प्रथम प्रश्न उभरा कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे। तीसरा प्रश्न, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। शब्द का धारक वाहक मतलब शब्द को बोलने वाला वो प्रमाण होगा, जो शब्द बोल रहा है वो धारक वाहक, जैसे हम शब्द के धारक वाहक हैं, है ना, वो प्रमाण होगा या शब्द प्रमाण होगा। किताब की पूजा करने लग जाए या व्यक्ति के व्यवहार में उस चीज का वो व्यवहार में आएगा, ऐसा प्रश्न है उनका। शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण, कौन प्रमाण है? आप्त वाक्य, जो कोई बड़े लोगों ने कुछ वाक्य सेंटेंसेस बोल दिए वो प्रमाण है, या फिर आप्त वाक्य का उद्गाता। उद्गाता मतलब जिसने वो उद्गार दिया है, उद्गार मतलब जो अपने हृदय से उसकी जो वाणी निकली है उसको उद्गार कहते हैं। ठीक है, उद्गाता प्रमाण। शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण, है ना, तो ये जो लिखे हुए शास्त्र हैं ये प्रमाण है, या प्रणेता अर्थात उनको लिखने वाला व्यक्ति प्रमाण है, कौन किसको प्रमाण माना जाए, है ना, इस प्रकार का प्रश्न बाबा जी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। समीचीन परिस्थिति में, समीचीन मतलब इस समय, समीचीन मतलब उस समय की वर्तमान। समीचीन परिस्थिति में एक और प्रश्न उभरा जो कि चौथा प्रश्न है, वो क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या न होते हुए जन प्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना। ठीक है, तो उसमें बताया नहीं गया कि व्यक्ति जो है वो जन प्रतिनिधि जो है उसका कैरेक्टर वगैरह कैसा हो, चरित्र कैसा हो, है ना, ये सब कुछ बताए बिना ही क्या है, बस उसकी स्वीकृति हो गया किसी प्रकार से, वोट नोट या अथवा धन गठबंधन से जनादेश व जन प्रतिनिधि कैसा, ये भी, ये सब प्रश्न बाबा जी के हैं, वो जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, समाधि में लेकर के जिन्हें वे जाते हैं। संविधान में धर्म निरपेक्षता एक वाक्य एवं उसी के साथ अनेक जाति संप्रदाय समुदाय का उल्लेख होना। कहते हैं ना हम लोग धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं, है ना, धर्म निरपेक्ष, सभी धर्मों को हमने एक समान माना, और उसके बाद ही हमने क्या वर्णन किया, कौन सी सामान्य जाति हैं, कौन सी अनुसूचित जनजाति हैं, कौन सी, है ना, तरह तरह के जो नाम है ना, इस प्रकार के जाति संप्रदाय समुदाय, इन सब का उल्लेख हमने किया। तो कह रहे हैं ये तो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। संविधान में समानता एक वाक्य, है ना, कह रहे सभी व्यक्ति क्या है, समान है, सब सब एक बराबर है। ठीक है, तो कह रहे संविधान में समानता एक वाक्य लिख दिया कि सब समान है, और उसके बाद क्या कह दिया, उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख, फिर किसी को कभी नारी होने के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, कभी किसी जाति जनजाति का होने के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, तो इस प्रकार तो समानता हुई नहीं।
है ना, और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना है ना, उसका वो किस प्रकार दिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट का कितना आरक्षण रहेगा, किस विधि से नौकरी दी जाएगी, ये सब का उसके बाद उल्लेख करना है, तो ये बात उनको हजम हुई नहीं। ठीक, अच्छा, जनतंत्र शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना, ठीक है, ये तो बात आप समझ ही गए होंगे, ये कैसा जनतंत्र है, ये बात बाबा जी को पच नहीं रही है और उन्होंने अपने प्रश्नों को एक एक जोड़ते चले जा रहे हैं। इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने को तत्कालीन, तत्कालीन मतलब उस समय के विद्वान, वेद मूर्तियों, सम्माननीय ऋषि महर्षियों के सुझाव से अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसे मैंने स्वीकार किया। बाबा जी एक तो अपने गुरु जी से, दूसरे रमण महर्षि से, है ना, ऐसे कई कई लोगों से मिले और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने उन लोगों को ये रास्ता बताया कि आप समाधि में खुद ही जा करके देखिए, आपको वहां पर ज्ञात होगा। साधना के लिए अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकारा। सर 1950 से साधना कर्म आरंभ किया, मतलब बाबा जी 1920 में उनका जन्म है, तो 1950 मतलब 30 वर्ष के रहे होंगे तब उन्होंने साधना कर्म अपना आरंभ किया। सन 1960 के दशक में साधना में प्रौढ़ता आया, प्रौढ़ता मतलब मैच्योरिटी, अब लगा कि हाँ कुछ समझ में आने लगा, तब तक 10 साल प्रयास करते रहे, एक समय के बाद मैच्योरिटी आया उनके साधना में। सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति में, स्थिति स्वीकारने में आया। 1970 में बाबा जी कह रहे हैं मुझे समाधि हुई और इस बात को मैंने स्वीकार किया कि मुझे समाधि हुई। समाधि स्थिति में मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप रही, है ना, समाधि की स्थिति में क्या हुआ, आशा विचार और इच्छाएं तीनों चुप रही, मतलब मन वृत्ति और चित्त जो है वो इनएक्टिव हो गए एक तरीके से। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, यह भी समझ में आया। तो ऐसी स्थिति में बाबा जी क्या कह रहे हैं, जो अज्ञात जो प्रश्न थे उनके उत्तर उन्हें कुल मिलाकर के नहीं मिले। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे तक होता रहा, मतलब हर रोज बाबा जी 12 से 18 घंटे तक समाधि में रहते थे, साधना में रहते थे। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे होता रहा। समाधि धारणा ध्यान क्रम में संयम स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारा, ठीक है, स्वयं स्फूर्त मतलब ऑटोमेटिकली उनको ये बात समझ में आई, ऑटोमेटिकली उनके अंदर से आई। समाधि धारणा ध्यान क्रम में संयम स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारा। 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा, है ना। सन 1960 में प्रौढ़ता आई, 1970 में उन्हें समाधि घटी, तब तक बाबा जी 50 वर्ष के हो गए ऑलरेडी। 50 के बाद 2 वर्ष बाद क्या हुआ, संयम हुआ उन्हें। 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा, संयम हो गया। इस ये किस बात का प्रमाण है कि समाधि भी हुई थी, इस रूप में स्वीकारा। समाधि से संयम संपन्न होने की क्रिया में भी 12 से 18 घंटे लगते रहे, फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व सहज रूप में होना रहना मुझे अनुभव हुआ, जिसका वांग्मय मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, अगली बात क्या बता रहे हैं, क्या प्रस्तुत हुआ है, तो सह अस्तित्व व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु मतलब ये तो हमारे आपके बीच में जो खाली स्थान जो हमें दिखता है ना, ये खाली वस्तु को बाबा जी व्यापक कह रहे हैं, और ये खाली नहीं है, ये ऊर्जा संपन्नता इसके कारण से, यही महाकारण है। ठीक है, तो व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य, जड़ मतलब अन्य सभी परमाणु और चैतन्य मतलब हम, है ना, जीवन परमाणु, जड़ चैतन्य संप्रक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। संप्रक्त मतलब डूबा, भीगा और घिरा, जैसे रसगुल्ला होता है ना जलाव के अंदर, वैसा डूबा भी है, भीगा भी है और उससे घिरा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आया। सअस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे एवं अजीर्ण परमाणु एवं परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त परमाणुओं के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया। ठीक है, तो जैसे जो मैंने अभी आपको बोर का मॉडल समझाया ना, जो बोर का मॉडल था वो उन्होंने कहा अलग अलग कक्षाओं में, वो जो जहाँ गोल गोल घूम रहे थे ना परमाणु अंश जहाँ घूम रहे थे, तो हर एक शेल जो होती उसमें कुछ निश्चित
संख्या में ही परमाणु अंश समा सकते हैं। जैसे जो सबसे क्लोज एकदम नाभिक या केंद्र के जो सबसे पास में होता है उसमें कितने समा सकते हैं, तो दो समा सकते हैं। उसके अगली कक्षा में कितने समा सकते हैं, आठ समा सकते हैं। उसके आगे की ऑर्बिट या उसके आगे की शेल में कितने समा सकते हैं, 18 समा सकते हैं। उसके और आगे की शेल में कितने समा सकते हैं, 32 समा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो 1, 2, 8, 18, 32 वाला ये घटनाक्रम है, ये सभी परमाणुओं में देखा जाता है। और लेकिन उसमें घटनाक्रम ऐसा है कि एक ऐसा परमाणु है जिसके सभी जो कोश हैं, जो सभी शेल्स हैं, जो सभी ऑर्बिट है, उसमें जितनी अधिकतम और जितनी बैलेंस संख्या थी वो है। वो कौन परमाणु है, वही चैतन्य परमाणु अथवा जीवन है, अर्थात हम है, है ना। अच्छा, हम क्या है, तो हम जो नाभिक में बैठी जो नाभिक वाला अंश है ना, वो आत्मा हम है, बाकी हमारा है। हमारा क्या है, जो हमारे बाकी अंश है वही मन वृत्ति चित्त बुद्धि है। ठीक है, भूखे और अजीर्ण बाबा जी किसको कह रहे हैं, जिसके पास कम परमाणु अंश है वो थोड़े कहीं और से लेने की कोशिश करता है और ले करके स्थाई रूप अपने स्थाई तो उसके अंदर आता है। जिसके पास ज्यादा है वो उसको अजीर्ण करके, मतलब उसको बाहर निकाल करके उससे उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। ये है भूखे और अजीर्ण परमाणु। और हम क्या है, हम एक तृप्त परमाणु है, हम इसलिए चैतन्य है। ठीक है, तो सह अस्तित्व व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त, संपृक्त मतलब डूबा भीगा घिरा। कैसा, मैंने जैसे कल्पना बताया, जैसे रुई का एक फाहा हो उसको पानी के अंदर डुबा दीजिए, वो क्या हो गया, डूबा भीगा घिरा। इस प्रकार से परमाणु अंश जो है वो व्यापक में डूबे भीगे घिरे हैं, इसी का नाम संपृक्तता है। एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। अस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे एवं अजीर्ण परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त परमाणुओं के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया। तो जीवन परमाणु कौन है, हम जीवन परमाणु है यहाँ पर। अस्तित्व में ही गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई, गठन पूर्ण ऐसा परमाणु जिसका गठन पूर्ण हो गया, सभी कोषों अथवा सभी कक्षाओं में जितनी अधिकतम संख्या है बैलेंस एक परमाणु के लिए वो पूरी हो गई है, ऐसा कौन है, तो ऐसा गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई कौन है, हम चैतन्य इकाई है। जीवन रूप में होना समझ में आया, इस परमाणु का नाम बाबा जी ने जीवन परमाणु रख दिया। ठीक है, जीवन परमाणु के केंद्र में जो एक अंश है उसका नाम आत्मा है, आगे के जो दो अंश है उनका नाम बुद्धि है, उसके आगे के जो आठ है ना वो चित्त है, उसके आगे के जो 18 हैं वो वृत्ति हैं, और उसके आगे के जो 32 हैं वो क्या है, मन है। ठीक है, इसको बाबा जी मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में 61 अंश के परमाणु के 122 आचरण की बात इसीलिए करते हैं। ठीक है, ओके। सअस्तित्व में ही भूखे व अजीर्ण परमाणु अणु व प्राण कोशाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक प्राणावस्था रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। अब ये जो पूरी धरती है ये किससे बनी है, भूखे मतलब जिसमें या तो कम है परमाणु, अजीर्ण मतलब जिसमें कम अंश है उसको भूखा परमाणु कह रहे हैं, जो अजीर्ण मतलब जिसमें ज्यादा है। तो ये लोग क्या करते रहते हैं, अंशों का लेन देन करते रहते हैं और इस प्रकार से बॉन्ड बनाते रहते हैं। बॉन्ड इस तरह से बनने के कारण क्या है, नई नई रचनाओं का विकास हुआ। तो भूखे व अजीर्ण परमाणु और इन परमाणुओं से मिलकर के बने अणु, अणु से आगे फिर है ना, हमने पढ़ा जैसे पानी के कारण फिर एसिड और बेस बने, उसके कारण प्रोटीन बने और इस तरीके से प्राण कोशाओं का जन्म हुआ। तो इसी को बाबा जी क्या कह रहे हैं, विकास क्रम कह रहे हैं। भूखे व अजीर्ण परमाणु अणु व प्राण कोशाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक प्राणावस्था रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती है ना, तो ये धरती जो मिट्टी है जो दिखती है ना पूरी धरती, ये किससे रची बसी है, परमाणु अणुओं से रचित धरती है। ठीक है, तथा अनेक धरतियों, और ऐसी एक धरती नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में इतनी बड़ी एक है ना इस जगह में ऐसी अनेक धरतियां हैं। ठीक है, रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। रचना एक तो स्पष्ट हुई और समझ में आई। ठीक है, अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के उपरांत
फिर से एक बार पढ़ते हैं समझा समझा के। अस्तित्व में मतलब इस पूरे एग्जिस्टेंस में भौतिक रचना, भौतिक मतलब भौतिक शब्द कहाँ से है, पंच महाभूत जो होते हैं ना, चित जल पावक गगन समीरा, है ना, ये जो धरती आकाश इस तरीके से हम बात करते हैं ना, इसको भूत बोलते हैं ना, तो भौतिक इसलिए शब्द आया है। भौतिक मतलब जो भी चीजें हैं, जो परमाणु, जो भी तरह के हमारे पास अणु हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनसे जो चीज रचनाएं हुए उसको हम भौतिक कह रहे हैं। अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही भौतिक रचना, और धरती अपने आप में क्या है, एक भौतिक रचना है। भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से, है ना, यौगिक विधि से मतलब आपस में जो अणु परमाणु मिले हैं, बंधन बनाए हैं, इसके कारण ये यौगिक बना है, यौगिक बने हैं, और यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित, ठीक है, प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं मतलब जो भी रचनाएं बनी हैं, संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में, और ये किस प्रकार से आगे एक एक क्रम में कैसे बढ़ती चलेंगी, तरह तरह की वनस्पतियां भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, रूप में समृद्ध होने के उपरांत, ठीक है, समृद्ध मतलब आवश्यकता से अधिक, आगे की अवस्था के लिए आवश्यकता से अधिक जब हो गए ना, इसको कह रहे हैं समृद्धि हो गई उस अवस्था में, समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों का रचना, और उन्हीं प्राण कोशाएं जो है उसमें ही इवोल्यूशन होकर फर्दर जीव शरीरों की रचना हुई, ठीक है, जो जीव जानवर हैं और यहाँ तक कि हम भी हैं, इनसे उनसे ही रचना है, जीव शरीरों का रचना रचित होना और मानव शरीर का भी रचना संपन्न होना, एक तो रचना संपन्न हो गई और उसके बाद क्या हुआ, उसकी परंपरा बनी, है ना, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जा रही है, तो आगे उनसे उनके ही जैसे रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसको बोल रहे हैं परंपरा, परंपरा होना समझ में आया। सअस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। कल मैंने इस बात पे ध्यान दिलाया था, हम क्या है, मानव क्या है, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, शरीर और जीवन सअस्तित्व में नहीं है। जब भी सअस्तित्व की बात आ रही, इसका मतलब वो जो होना है, होना रहना है, वो सदा सदा के लिए, वो कभी छूट नहीं रहा है, ठीक है। सह अस्तित्व में से के लिए सह अस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया, यही नियति क्रम होना समझ में आया, ये बाबा जी को समझ में आया, और इसको समझाने के लिए कई सारी बाबा जी ने किताबें लिखी हैं, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। नियति विधि, सह अस्तित्व सहज विधि से ही अस्तित्व में चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, और हम क्या है, ज्ञान अवस्था की इकाई है, और अस्तित्व में चार पद हैं, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद, इनके बारे में और व्याख्या आएगी, ठीक है। और विकास क्रम, विकास एक क्रम है विकास का, है ना, कोई चीजें रैंडम नहीं हो रही है, ऐसे ही चीजें नहीं हो रही है, कुछ का कुछ बने जा रहा नहीं, किसी प्रयोजन पूर्वक कुछ सभी चीजें घट रही है, उसको हम कह रहे हैं विकास क्रम है, विकास क्रम और फिर विकास, जागृति क्रम, जागृति, ठीक है, तथा जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। जागृति सहज मानव परंपरा, है ना, मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में, समग्र मतलब संपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी, ये पूरी जो धरती है ना, ये व्यवस्था ही है ना, और हमारा उसमें, हमारी जो गठन पूर्णता हो गई है, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता जो हमारी बाकी है, ऐसा होते ही हम क्या कर पाएंगे, व्यवस्था में भागीदारी कर पाएंगे। यह नित्य वैभव होना समझ में आया, इसे मैंने सर्व शुभ सूत्र माना और सर्व मानव में शुभापेक्षा होना स्वीकारा, फलस्वरूप चेतना विकास मूल्य शिक्षा, विकास किसका, चेतना का, है ना, चेतना विकास और मूल्य शिक्षा, शिक्षा किसकी, मूल्यों की शिक्षा, संविधान आचरण व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या मानव सम्मुख प्रस्तुत किया हूं। बाबा जी अपनी बात कर रहे हैं, और बाबा जी ने जो उद्गार दिया वो क्या है, भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो, श्री नागराज, ठीक है, बढ़िया। चलिए तो अब यहाँ से जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन शुरू होता है, ये बाबा जी का बेसिकली संबोधन है, और ये संबोधन ही इसको एक किताब के रूप में लिखा गया है। बाबा जी कह रहे हैं, मानव बंधुओं,
बहुत जबरदस्त बात है, कह रहे हैं मानव और फिर कहा बंधुओं, बाबा जी ने ये ना कहा पापियों, ठीक है, मूर्ख खलकामियों, ऐसा नहीं कह रहे, मानव बंधुओं, ठीक है बाबा जी। यहाँ इससे हमें पता चलता है, जब हम कोई संबोधन से पता चलता है वास्तव में वो व्यक्ति क्या देख रहा है ना, मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी ही इच्छा पूर्वक, विगत, विगत मतलब पहले के वैदिक वांग्मयों को सुना हूं, वांग्मय मतलब साहित्य, इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती रही, किसी ने हमको हमारे साथ जबरदस्ती किया और हम वो काम किया, ऐसा नहीं, स्वेच्छापूर्वक के काम किया है। समझने के बाद मेरी एक कामना हुई, कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव, जब हम पूरा सब कुछ समझ लिए उसके बाद क्या बाबा जी कह रहे हैं, मेरी कामना हुई कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव, उसके लिए मैं अपने में ही एक उद्गार पाया हूँ। उद्गार पाया हूँ मतलब अब उनके हृदय से ये बात निकल रही है, क्या भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो, शुभ हो। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में मैं, पृष्ठभूमि को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यह शरीर यात्रा एक परिश्रमी सेवाकारी वैदिक धर्म परायण आर्य श्रेयवादी परिवार में प्रारंभ हुई। आर्य श्रेयवादी मतलब जहां ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, आर्य श्रेयवादी परिवार में प्रारंभ हुई। यह तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी ना किसी, यह तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी ना किसी माँ की कोख से पैदा होता है, किसी ना किसी धर्म को मानने वाला होता ही है, किसी ना किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है और शिक्षा विदों के अनुसार चलकर देखता है, है ना। बाबा जी कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट जब एक बच्चा होता है तो इस तरीके से होता है, अपने आप ही ये सब घटनाएं उसके साथ घटती रहती है और वो स्वीकारता भी चला जाता है। यह आज तक की परंपरा की बात रही, उसी विधि से मैं भी जहां से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, इसी सबसे गुजरने लगा। इसी के साथ रूढ़िगत परंपरा की बातें, इसके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो ये ना करो, ये सब बातें जब से शुरुआत की है, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। ये बचपन की ही बात है, पहले पहले ये बचपन की बात है, बच्चा है ऐसा बुजुर्ग लोग भी सोचते रहे, है ना, मतलब कुल मिला के बाबा जी को ये बातें स्वीकार होती नहीं रही। कुछ दिनों बाद वे लोग भी बदलने लगे, दृष्टियां मुद्रा भंगिमा त्योरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारे बुजुर्ग मुझसे प्रसन्न नहीं है। प्रश्न का पहला कारण हमारा ये बना, किंतु प्रसन्न भी कैसे किया जाए भाई, जैसा ये कहें वैसा ही करें तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते हैं ऐसा मुझको दिखा है, मतलब उन्हें लगा, बच्चे के तौर पे लगा कि चाहे भले हम इनके हमेशा मन की करते रहे लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं सारा समय तो प्रसन्न रहते नहीं है, है ना। सोचिए एक बच्चा ये सब विचार कर रहा है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किंतु प्रसन्न भी कैसे किया जाए भाई, जैसा ये कहें वैसा ही करें तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय ये प्रसन्न रहते नहीं है ऐसा मुझको दिखा है, मुख्य बात यहाँ से है। जब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, किंतु सब दिन सब समय प्रसन्न नहीं है, जबकि उनसे ज्यादा आर्य श्रेय वांग्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता था। बाबा जी वेद मूर्ति परिवार के थे इसलिए कह रहे हैं, ऐसे सब सिद्धियां होने के बाद हम हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा होने लगी और दूसरा कारण जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर जितनी बार वे विफल होते गए उतनी ही हमारी अहमता बढ़ती गई। ये हमारा अहमता बढ़ने की बात और रूढ़ियों से न जुड़ने की बात, यह सब एक साथ ही चल दिया। इस क्रम से चलकर हम क्या करते,
अब बड़े बुजुर्ग यह दावा करने लगे कि यह वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है, यह अपने आप में स्वयं भू के रूप में हर रूढ़ियों को, हर बात को नकारता है, यह कहाँ तक ठीक है? इस मुद्दे पर चिंता करने लगे। यह हमारे लिए दूसरे प्रश्न का कारण बना। मैं अब क्या करता? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा तो मैं आर्ष ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा। आर्ष मतलब जो पहले से आए ग्रंथ हैं उनके आधार पर वेदांत को समझा, जिन्हें वे सर्वोपरि मानते थे। पहला भूमि है वेदांत, है ना, मतलब पहली बात क्या है वेदांत की, अर्थात माने गए वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है, बाकी सबको और कुछ कहते हैं, है ना, पाप वगैरह कहते हैं, इस तरीके की बात, कुकर्म इस तरीके का कुछ शब्द है। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या अन्य देवी देवता बनना हो, इसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में यह कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है पूछा तो बोले ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या चीज है पूछा तो बोले तुम समझोगे नहीं। अरे समझेंगे नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे? बुजुर्गों ने जो कहा है करो ना करो इसी विधि से पार पाएंगे। क्या करें क्या होगा यह तुमको समाधि में मिलेगा, ऐसा बोले हैं। समाधि से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है, और कोई बात बनती ही नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का भी कोई मतलब नहीं है, करो का भी कोई मतलब नहीं है। एक बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद पहले तो ये प्रश्न बना कि बंधन और मोक्ष क्या है। तो पहला प्रश्न क्या बन रहा है, बंधन और मोक्ष क्या है? मायावश हम बंधन में रहते हैं ऐसा वे कहते हैं, वे मतलब जो वेदांत पढ़ते हैं या वेदांत ऐसा कहता है। मोक्ष माने आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं, है ना। कुल मिला के परमाणु अंश एक दिन व्यापक में विलय हो जाएगा, ऐसी कुछ बात है। आत्मा कहाँ से आया तो बोलते हैं जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जीवों के हृदय मतलब जीव कौन है, हम लोग जीव हैं। जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो यह ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में क्यों बैठ गया? ठीक है, पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें से कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म को उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी, है ना, क्योंकि उसको मुक्त होना है ना, मुक्त होगा तब जाके वो उसमें से विलय होगा। तो कह रहे पहले बैठ क्यों गया जाके उसके भीतर ब्रह्म, जब विलय होना ही है ना? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म को उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी, ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ। क्योंकि तो हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया, ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया मतलब उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, ठीक है। क्योंकि हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया इसलिए हमें वितंडावादी नाम दिया। हमने कहा आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, किंतु इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें, समाधि के लिए तत्पर होने के लिए हम शनई शनई तैयार हुए। शनई शनई मतलब धीरे धीरे तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। इस तरह सन 1944 से शुरुआत हुई और सन 1946 तक हम समाधि के लिए तत्पर हो गए। उस समय और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज्य आएगा इसकी संभावना बलवती हुई। सन 1947 की बात है, जैसा कि हम लोग आशा करते थे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, है ना, भारत देश आजाद हुआ और अंग्रेजों से सत्ता हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गई। उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे, उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यतिरेक आई सफलता के दिन तक। उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसमें भी हम पीड़ित हुए।
उसके बाद और एक आशा लगी कि अब हमारा संविधान बनेगा, उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपने तरफ से स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। संविधान की जब रचना हुई तब इस संबंध में अखबारों में जो लेखा जोखा आता रहा उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। सन 1950 तक की सारी बातें सुनकर हमारे मन में आया कि संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चरित्र ही इसमें व्याख्यायित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सकें। अब क्या किया जाए? पहले से संकट था ही, वेदांत और समाधि, समाधि में ही सब उत्तर मिलना है। इस प्रश्न को भी उसी के साथ जोड़ लिया, समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा, जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है, ऐसा हम अपने में निर्णय लिया। इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार हो गई, वह है मेरी धर्मपत्नी। हम अमरकंटक को एक ऐसी स्थली, प्राण स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली है ये सब सुनते ही थे। उस पावन विचार के आधार पर क्यों ना वहीं जाकर यह अंतिम प्रयत्न किया जाए, ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। यहाँ आकर हम आगम तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया है जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के हर भाग में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं, ये देवता हैं, वो देवता हैं, इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। इसके मूल में यह सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात तुम स्वयं देव रूप होकर देवताओं की आराधना करो। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ उसी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए हम तत्पर हुए। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। ठीक है, मैं हूं इसका बोध था, हमारे पास और कोई विचार नहीं था। ये क्या है? ये समाधि की स्थिति है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो प्रोसेस हम कर रहे थे, जो प्रक्रिया हम कर रहे थे, करते करते एक दिन क्या हो गया, ये जो हम बार बार देवी देवताओं की कल्पना अपने शरीर के विभिन्न भागों में कर रहे थे ना, वो उससे मुक्त हो गए हम, है ना। मुक्त हो गए मतलब उस वो एक क्षण ऐसा आया, वो क्षण क्या एक लंबा समय है। मैं हूं इसका बोध था, मैं हूं ये पता था, मैं नष्ट नहीं हो गया हूं ये समझ में आ रहा था, मैं हूं इसका बोध था, पर हमारे पास कोई और विचार नहीं था। हमको कोई चीज पाना है, इसका कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज है, यह भी विचार नहीं था। हमको कुछ करना है, यह भी विचार नहीं था। एक नई बात, छोटी सी बात, यह घटना हुई। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसे ही हमें शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ, मतलब इस जब ये घटना घट रही है उस समय शरीर का बोध नहीं है, है ना। जब घटना घट के समाप्त हो रही उस समय समय का बोध हुआ, तब हमको पता चला कि इन तीनों का हमें बोध नहीं रहा था, हमारे पास विचार ही नहीं था, ऐसा मुझको मुझमें विश्वास हुआ। ये होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति आ गई। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा और प्रतीक्षा करता रहा, हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मतलब बाबा जी बार बार ये समाधि की स्थिति में जा रहे हैं और उनका प्रश्न लेकर के जा रहे हैं और उत्तर मिल नहीं रहा है। यह दूसरी विफलता आई। अब क्या करें? वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला। हमारे परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान हैं, वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं, अब कहाँ जाएं? अब किसी पर आरोप लगाने की जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे। एक दिन ऐसा लगा कि हम वाकई में समाधि की बात सुना था, हमको यह विश्वास भी हो गया कि समाधि हो गया, किंतु समाधि यही है, इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे, है ना। इसको हम सुदृढ़ कैसे माने, प्रमाण क्या माने, इसमें बताने की कोई चीज ही नहीं है, तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे। यह जिज्ञासा गहराया तो हमको समाधि हुआ कि नहीं इसको आजमाने के लिए हमने संयम नाम की एक क्रिया किया।
ये भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। ये पातंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है, उसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रयम एक त्रयम एकत्रत्वात् संयमः, है ना। धारणा ध्यान और समाधि तीनों को एक एकत्र करके करने से क्या है, उसको संयम कह रहे हैं। इसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़कर देख सकता है। जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा है हमको स्वीकार नहीं हुआ, अपने ढंग से हम संयम का एक चित्र बनाया, एक तरीका बनाया, उस तरीके से हम संयम किया। संयम करने के फल स्वरूप तो जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू हुआ। देखने का मतलब समझना है, एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी उसको हम क्रमवत देखा है, विधिवत देखा है, उसको आपको बोध करा देते हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं, जब ये सब हो गया है ना, धारणा ध्यान समाधि और संयम ये सब हो गया है, इसके बाद बाबा जी ने क्या देखा, एक एक जर्रा जर्रा एक एक कण कण को देखा और क्या देखा, एक परमाणु से लेकर है ना, एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी है ना, एक एक वीडियो की तरह, एक फिल्म की तरह चली बाबा जी के सामने उस स्थिति में है ना, उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने विधिवत देखा, उसको आपको बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के एक कतार में एक जीवन परमाणु को देखा, वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ स्थिति में, ये सब समान रहते हैं। मतलब किसी छोटा बच्चा है तो उसकी उसका जीवन परमाणु छोटा है, ऐसा नहीं है। ये बोध हुआ शरीर छोड़कर भी जीवन रहता और शरीर के साथ भी रहता है, तो क्या कह रहे हैं कि जीवन कुल मिलाकर के नष्ट नहीं होता है ना, शरीर को चलाता है और फिर शरीर को छोड़ देता है, उस समय भी जीवन रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक बात कह रहे हैं यहाँ पर, हमने ये देखा शरीर के माध्यम से जीवन जो है, जीवन क्या, जीवन परमाणु जो है, स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है, इसका उत्तर ये मिला कि जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ क्या, सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये तीन स्थितियां हैं, इसमें से जो पहली स्थिति है जीना चाहते हैं, वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, यह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं पूरा होता नहीं। अगर ये इच्छा बनी हुई है ना, सुखी होना चाहते हैं, निरंतर सुख चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, अर्थात परंपरा में से देखना चाहते हैं, तो क्या बनना होगा, मानव बनना होगा। इसको मैंने भली प्रकार से देखा है, ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। इसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा वो क्या है, समाधान सहित व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। ठीक, आज के लिए इतना ही। बढ़िया जी। हाँ जी जनक भाई कहिए। जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही आनंद आया, थैंक यू। हाँ बढ़िया। तो हम लोग ये बाबा जी के एक्चुअली वीडियोस के फॉर्म में भी ये उपलब्ध हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर साथ में मिलते हैं और मिल करके कुछ पढ़ते हैं ना, तो एक हम कहीं ना कहीं समय डेडिकेट कर रहे हैं, उसका एक अभ्यास बना रहे हैं। ठीक है, कुछ समय बाद जब हम सही में किताबें पढ़ने लग जाएंगे तो हम उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कुल मिला के इन क्लासेस के द्वारा। ठीक है जी। हाँ जी अंकल जी कहिए। नमस्ते। नमस्ते। यस बढ़िया। अभी मुझे एक प्रश्न है जी कि एक तो भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु जी, तो भूखे परमाणु कैसे होंगे और अजीर्ण कैसे होंगे, क्योंकि समझो कार्बन 12 है जी और इसमें 11 या तो 10 हो गया, तो उसका तो दूसरा नाम हो गया ना, तो भूखा नहीं रहा वो भी एक परमाणु। कार्बन स्वयं ही भूखा है।
कार्बन का जो परमाणु है ना, तो उसके नाभिक में, नाभिक में कुछ जो भी है, और उसके बाद दो और चार, पहले शेल में दो हैं अंश घूम रहे हैं, और अगला जो शेल है ना, जो सेकेंड ऑर्बिट है, वहां पर चार घूम रहे हैं, चार अंश घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर होने कितने चाहिए? आठ होने चाहिए। उसमें कितने भरने चाहिए, उस शेल में कितने भरने चाहिए, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आगे क्लास में ले लूंगी मैं। तो ये क्या, ये शेल खाली रहता है, इसमें चार की अभी अभी इसमें जरूरत है और, ठीक। और इसी प्रकार से सभी कार्बन परमाणु है, तो क्या करते हैं ये एक, आपको बात समझ में आ रही है अंकल जी मेरी? हाँ, यानी उसका ये मास कितना है कार्बन का? 12 है ना, मास 12 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 6 है। जो एटॉमिक नंबर है ना, वो परमाणु अंशों को बताता है। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे, एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर बताता है। अच्छा, यानी 6 है तो 6 ही परमाणु अंश है परिवेश में। हाँ जी, तो इसलिए वो भूखा परमाणु है। भूखा है, है ना। अच्छा। तो क्या करता है, दूसरे वाले के साथ शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो कहता है इस तरीके से शेयरिंग कर लेता है कि इसके वाले जो चार है, और दूसरे वाले कार्बन परमाणु के मान लीजिए चार आ गए, है ना, तो वो चार इसमें भी घूमते रहते हैं और इसमें भी घूमते रहते हैं। अच्छा, यानी कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन बन सकते हैं बॉन्ड, और फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी। हाँ, वो भी बन सकते हैं, वो भी शेयरिंग इस तरीके से कर लेते हैं। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक तो ये होते हैं कि पूरा पूरा ले लिया, पूरा पूरा दे दिया, इस तरीके से भी बनते हैं, और शेयरिंग बेसिस पे भी बनते हैं, शेयरिंग कर लिया। जैसे मनुष्यों में देखे ना, तो जैसे हम अपनी बेटी को ब्याह देते हैं किसी के घर में, तो वो जो लड़की होती ना, वो अंश ना दोनों घरों में शेयरिंग रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अपने एक्चुअली इसमें भी देख ही सकते हैं, ये पता नहीं था एटॉमिक नंबर वाला, नंबर भी है। अच्छा, सबको ऐसे नंबर दिया हुआ है, सबको ऐसे, सबके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। तो ये पता नहीं था मुझे बराबर, तो अभी ध्यान में आया जी। हाँ, निमिषा दीदी कुछ कहना चाहती हैं जी? दीदी कहिए जी। ये पूरा सहस्तित्ववाद, मतलब पूरा सहस्तित्व के लिए कैसे प्रमाणित होता है, वो पता चलता है कि पूरा जो मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें कार्बन का कितना बड़ा रोल है, और ये खाली भूखा है, उसी के कारण ही पूरा संसार रचा है, ऐसा मेरे को जैसे केमिस्ट्री के साथ इसको कनेक्ट करते हैं ना, तो पता चलता है कि पूरा केमिस्ट्री का जो वैभव है, दिखता है, जितनी भी मतलब कितने सारे चीजें हैं हमारे लिए यूज के लिए, या फिर प्राण संसार के लिए, या फिर जीवावस्था का पूरा शरीर देखो, फिर वो जैसे डी उसका डीकम्पोजिशन होता है तब क्या होता है, वो पूरा कार्बन के कारण ही है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहता है, और इतना डेप्थ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मध्यस्थ दर्शन पढ़ा तब पता चला कि जब तब तब केमिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती थी, अब केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, है ना। कार्बन में जो भूखापन है उसका, वो कितना सारा यूजफुलनेस के लिए है, वो पता चलता है। बिल्कुल, कार्बन का, आपको कार्बन के प्रति कृतज्ञता हो जाए, इतना कार्बन के साथ, कार्बन की कहानी। मैं हर क्लास में आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस भी चलाऊंगी, ताकि बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा बहुत साइंस में कम पकड़ में आता है, वो धीरे धीरे पकड़ने लग जाएंगे। ये धीरे धीरे होगा, एक साथ पढ़ाऊंगी तो फिर साइंस ही पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी चीजें, और आपको स्पष्टता आती जाएगी, है ना। और पता है मुझे तो सबसे मजेदार बात क्या लगती है, भाषा हमारी। जैसे दो लोगों के बीच में अच्छी बनती, तो कहते इन लोगों के बीच में अच्छा बॉन्ड, इनका बॉन्ड अच्छा है, या इनकी केमिस्ट्री अच्छी है। भाषा भी बड़ी बड़ी सुंदर है। हम तो बाबा ही बोलते हैं ना कि जो होता, मतलब जो एग्जिस्टेंस में एक मानसिकता होती है, वो पता चलता है कि एग्जिस्टेंस में वही कनेक्ट होता है। बिल्कुल, आप भाषा में देखिए तो आप अमेज हो जाएंगे कि कैसे यही सारे शब्द, जैसे बंधन, परमाणु में भी बंधन शब्द है, यहाँ पर भी बंधन अथवा संबंध, इसी प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, है ना। और व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप देखो, दो दो होते हैं और फिर आठ, बाबा जी की व्यवस्थाओं में भी ऐसे अंशों की तरह ही आपको दिखने मिलेगा, दस
दस की उन्होंने कहा ये स्टेबल फैमिली है, इससे ज्यादा होंगे तो फिर आगे वो बढ़ जा रहा है। तो बिल्कुल वो जो परमाणु का स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने आज आपको बोर का मॉडल जो है ना स्टार्टिंग में आप लोगों को वीडियो दिखाई है, धीरे धीरे आपके लिए खोलते जाऊंगे, आपको जो बाबा जी की व्यवस्था के स्ट्रक्चर है वो भी परमाणु के बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है, वहां से ही स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, बढ़िया, ठीक है। जैसे आप लोग आप जैसों के साथ पढ़ते हैं इस तरह से बातें होती है ना, तो बहुत सारी चीजें देखिए, दो चीज है, एक चीज है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए अपनी कल्पनाशीलता को लगाना, और एक जो विकास क्रम विकास है उसमें क्या चीजें घटी और किस संदर्भ में घटी, किस प्रयोजन के लिए घटी, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों बाजू अपनी कल्पनाशीलता को हम दौड़ा सकते हैं, इसलिए यंग लोगों से पढ़ना भी अच्छा लगता है और साथ साथ बड़ों से भी, की एक कनेक्शन, हम लोग मिड एज में है तो सारी चीजें स्पष्ट होती है कि किस तरह से पूरा। और यहाँ जो आगम तंत्र उपासना बताया वो मैंने किया है, मैं भी श्री विद्या साधक हूँ, जो बाबा जी भी उसी तो वो बताया उन्होंने कि अपने अंग उपांगों में उसको बैठाना है, मतलब देव देवियों की ज्यादातर तो देवियों को ही बिठाना होता है प्रारंभिक साधना में जी। और उसी में मेरा प्राण का थोड़ा ऐसा हुआ था कि जिसके कारण मेरा डिप्रेशन वाला स्थिति बना था, तो मैं बड़ी कड़ी साधना की हुई उसमें। और ये जो स्थिति बताई उन्होंने कि हम ब्रह्मास में जैसे कोई स्थिति बनती है उसमें, वो जी भी एक समय पे मैंने फील किया, लेकिन उसमें भी यही था कि जैसे जैसे साधना करते जाते हैं तो वो चीजें गौण होती चली जाती है और मैं हूँ उसका भास रहता है। उनका तो बड़ा अच्छा स्थिति है, मतलब बाबा जी का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने में जैसे मैंने 3 या 4 साल साधना किया है, 12 से 16 तक, 2012 से 16 तक का मेरा साधना का स्थिति है, तो उसमें मैंने भी देखा डेली मैं 3 घंटा करती थी उसमें, तो ये चीज मैंने भी अपने में पाया था। फिर वो डिप्रेशन वाला चीज हो गया है, कोई भी अस्तित्व घटना हुए मेरे साथ भी, वो कि जो चीज मैं गुरु के बिना या किसी मार्गदर्शन के बिना, एक लेवल का मार्गदर्शन हुआ उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ था, तो कुदरत कैसे छुड़ा देती है, क्योंकि उसमें शरीर का संकट रहता है ऐसा लोग बोलते हैं, तो मार्गदर्शन के बिना कुछ हुआ ऐसा कि मैं डिप्रेशन में ही चली गई, तो अपना शरीर का ही स्थिति नहीं था कि साधना किया जाए, तो एग्जिस्टेंस का सब रूल समझ में आता है कि ऐसे ऐसे कोई चीज करने की चीज नहीं होती जिसमें समझ ना हो, तो समझ के करने की स्थिति में आना है वो भी यहाँ का सूत्र वहां अप्लाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रयोजन की स्पष्टता नहीं मिलती है तो बहुत आदमी घबरा जाता है ना, है ना, तो मेरा भी बैकग्राउंड तो है ही है जो है मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि बहुत हड़बड़ा जाते हैं जब आपको कोई प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता। मान लीजिए अनुभव जैसा कुछ, अनुभव नहीं, मान लीजिए समाधि जैसा ही कुछ हो भी गया, उसके बाद जीवन का प्रयोजन ही नहीं समझ में आता, शरीर को चलाना क्यों ये नहीं समझ में आता, और शरीर भी खो जाता है उसमें, क्योंकि शरीर के प्रति आशा विचार बिल्कुल उससे थोड़ा वो हो जाते हैं ना, विमुख हो जाते हैं हम, और वो विधि ऐसा है उससे उस कुछ पकड़ में नहीं आता वो विधि में, है ना। चलिए बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, तो कल हम लोग फिर से कोई नई बात सीखेंगे, और ये परमाणु वाला जो हिस्सा है मुझे ऐसा लगता है कि इसको धीरे धीरे मैं अगर आपको समझा दूंगी तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा दर्शन, ठीक है। तो कल हम लोग फिर इसमें ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक कदम लेंगे, और मैं पूछूंगी आपसे कुछ एक क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज कोई भी व्यक्ति को मैं इनवाइट कर रही हूँ, एक अच्छा सा दर्शन का सूत्र बताएं, है ना, छोटू भाई का हाथ रेज है, हां छोटू अंकल का हाथ रेज है, ओके डाउन हो गया, नहीं नहीं वो नहीं, अभी तो काफी स्पष्टता हो गई, और आपका भी इस दिशा में है ये भी हमने सुना, अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगा थोड़ा मेरी ओर से थोड़ा कच्छ के बारे में है, हमारे मुंद्रा के बारे में है, अभी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन, यानी मुंद्रा में हमारा जो स्कूलों में कार्यक्रम जो है, तो वहाँ पे
हमने 4,000 पौधे मंगाए फूल छोड़ के, है ना, गत वर्ष भी किया था, तो 40 से 50 किलो में वो बढ़ गए। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि उनको फूल छोड़ जो है वो फॉरेस्ट नर्सरी से नहीं मिलते हैं, चंपा, चमेली, गुलाब, ये हिबिस्कस यानी पारिजात, अलग अलग, तो ऐसे हमने मंगाए मोरबी से, और उन्होंने पूरा उसको अच्छी तरह से नामकरण और सब अलग अलग टीचर आके लेके आएंगे, तो आज है, कुछ लोग बाकी होंगे वो कल लेके जाएंगे, तो इस तरह से इतने स्कूलों में अपना संपर्क अच्छी तरह से बना हुआ है। और इसमें काफी लोगों ने सहयोग दिया, प्रिंसिपल वो पीटीसी कॉलेज के राजेंद्र भैया ने, फिर दूसरे और आरएसएस के जो वहाँ के है उनकी स्कूल में जहाँ पे हम गए थे एक बार, हमने शिविर लिया था घंटे दो घंटे वाला टीचर्स ट्रेनिंग, हाँ, शिशु मंदिर में सब बहने और भाई लोग थे, तो वहाँ वो स्कूल में ही रखा था। अच्छा। और वहाँ से तो एक अच्छा, तो अभी ये 50 स्कूल में 2 साल से हमारा संपर्क अच्छी तरह से बना हुआ, यानी मैं तो नहीं अभी तक डायरेक्टली, किंतु एक सद्भाव बना हुआ है बीच की कड़ी, जो हमारे लिए आगे जाके उपयोगी बन सकती है। इसलिए मैंने जनक भाई को कहा था कि आपके यहाँ से कोई स्कूल है तो यदि ऐसे फ्लावर्स के रोपा चाहिए तो शायद अभी भी होंगे तो कर सकते हैं, कोई आपका स्कूल या तो आपकी सोसाइटी है, आपको कहाँ पे भी यूज करना। फिलहाल तो ऐसे ध्यान में नहीं है, मेरे ध्यान में आएगा तो मैं आपको बोलूंगी। हाँ, नहीं तो आज रात भर सोचूंगी, फिर कल बताती हूँ, कुछ ऐसा है ध्यान में तो कुछ ध्यान में आया तो बस वही। ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो आज एक दर्शन का एक सूत्र बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है, और उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। ध्यान कीजिए, दर्शन का कोई सूत्र। किसी को सूत्र नहीं आ रहा, निमिषा जी बताइए कुछ। छोटू अंकल बताए। हाँ हाँ हाँ, तो आज का जो हमारे प्रश्न में आया ना कि एनर्जी कहाँ से आती है, जो रदरफोर्ड और बोर की थियोरी के आगे बाबा जी ने बताया कि परमाणु अंश और जितने भी प्रकृति है परमाणु और अणु, ये सब डूबे भीगे गिरे हैं व्यापक में, और उसी से उनको ऊर्जा प्राप्त है, ऊर्जाशील है, और फिर आगे जाके उन्होंने बताया है कि क्रियाशील है। हाँ। और क्रियाशील है इसलिए ऊर्जा संपन्नता है, बल संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता, और वही फिर मैग्नेटिज्म, ताप दाब और ताप दाब और ध्वनि के रूप में दिखता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया जी। हाँ, रणछोड़ भाई जी बताइए। कहिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक सूत्र थोड़ा याद आ रहा है कि ईश्वर अनुभव काल में आनंद स्वरूप है। ईश्वर अनुभव काल में आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है, बहुत बढ़िया, आनंद स्वरूप है ना, अनुभव काल में ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है, आनंद के रूप में प्राप्त है, बहुत बढ़िया, ठीक है। व्यवहार काल में न्याय के स्वरूप में है। बढ़िया, बिल्कुल, है ना, व्यवहार में न्याय के स्वरूप में प्राप्त है ना, और व्यवसाय में और नियम के रूप में प्राप्त है, बहुत बढ़िया, ठीक। विचार में समाधान,
विचार में समावेश, विचार कारण विचार में समाधान के रूप में प्राप्त है। जब जब समाधान होता है तब ईश्वर अनुभूति होती है। हाँ, समाधान की जो स्थिति है ना वही उसका भास है। कई बारी भास भी आभास भी है ना, छोटे छोटे हिस्सों में वो प्राप्त होते रहता है। आप कभी देखिए ना, मैं बहुत सिंपली उसको देखती हूँ। जैसे हम कोई भी चीज की समस्या का हल पा लेते हैं ना, अगर आप सब ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करी हो, मुझे याद है मैं कोई भी क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का कर लेती थी ना, मुझे एक आहा मोमेंट आता था, या कोई चीज समझ में आ जाती तो एक आहा मोमेंट आता था, वाव एक आता था। या जिंदगी में भी जब कोई कोई भी चीज की समाधान हो जाती है ना, तो एक आहा एक फील होता है, रिलैक्स फील होता है। जो रिलैक्सेशन है ना, ये स्फुरण के रूप में आपको कुछ कुछ भास रूप में दिखती हैं चीजें, है ना। कभी भी छोटा से छोटा भी आप समाधान करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है अंदर से, है ना। तुरंत मन है ना, तुरंत आपको बता देता है हाँ या ना, तुरंत जवाब फेंकता है बाहर, है ना। करके देखिए इस चीज को, जहां जहां पर भी भ्रम है ना, वहां वहां मन तुरंत आपका, जिसको आप इमोशनल इनस्टेबिलिटी बोलते हैं ना, वो यही है। आपका मन आपको भास के रूप में बताता रहता है, यस नो यस नो, तुरंत वहीं से गेम चलती रहती है। ठीक है, चलिए ठीक है। मेंटल क्लैरिटी ब्रिंग्स इमोशनल स्टेबिलिटी। इसलिए जो आभास है ना, आभास इसलिए आवश्यक है, तर्क इसलिए आवश्यक है। तर्क पूर्वक इस दर्शन को समझने से, आभास पूरा होने से क्या होगा, भास आभास पूरा हो जाने से मेंटल क्लैरिटी के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा मैं समझती हूँ। प्रयास के लिए मजबूर करता है। एवरी पेन इज अ पॉइंटर निमिषा यदि, एवरी पेन इज अ पॉइंटर। परमात्मा आपको पेन है ना, या इस रूप में भी प्राप्त है, प्रेरणा के रूप में प्राप्त है। वही तो प्रयास करने को मजबूर करता है मन की, अब आगे बढ़ो यहाँ से, नहीं तो फिर एकदम एकदम। और इसीलिए हम क्या कहें, अस्तित्व में हर क्षण न्याय है। यही न्याय है कि आप आगे बढ़िए, है ना। दबाव ही न्याय है, समस्त गतियां दबाव से प्रवाह में है। और प्रवाह किस ओर जा रहा है, जागृति क्रम जागृति, ये प्रवाह है। समस्त गतियां दबाव से, गति क्या है, जागृति आपकी गति है, है ना। गतियां कैसे है, दबाव से प्रवाह में है। तो दबाव किसका है, जो प्रेरणा है स्फुरण, यही दबाव है ना। ये लेकिन ऐसा पाया मैंने कि क्षमता योग्यता के अनुसार ही वो उपलब्ध रहता है। काफी लोग है कि छोटे से दबाव में, छोटे से पेन में से कुछ बड़ा सा अचीव कर लेते हैं, कुछ नया, मतलब इस तरह से। जैसे दर्शन मेरे को मिला तो 1.5 साल के बाद, मतलब 6 जनवरी 2016 से लेके 17th of May अराउंड, मुझे अगस्त अराउंड मुझे दर्शन का इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। तो 1.5 साल के बाद मैं इतना घूमी फिरी कि कहाँ से इसको पाऊँ मैं। और ऐसी ऐसी घटना मैं आपके, मतलब पर्सनली शेयर करूंगी कभी जी, कि जी। कोई कोई चीज का जो इमेजिनेशन आता था कि मुझे बैक्टीरिया वायरस दिखे, इस तरह का कोई आदमी चाहिए। और बाबा जी ने एक वीडियो में उल्लेख किया कि मुझे वायरस बैक्टीरिया दिखता है। अच्छा, देखिए, और वही वीडियो मेरे सामने आए, क्या बात है। तो अस्तित्व में कितनी घटनाएं अपनी कल्पनाशीलता में जो आता है, वो उसका भी समाधान, भले ही छोटा सा समाधान है वो, और उसी के कारण मुझे ये पूरा कितना बड़ा पथ मिल गया कि जिसके ऊपर मैं अभी बहुत अच्छे से चल रही हूँ। और काफी आतुर कातुर हूँ अनुभव के लिए, तो काफी है ही हम, लेकिन वो बीज तो पीछे का पड़ा ही था। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे हैं, मैंने काफी दुखी लोग अभी गोष्ठी में आते हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, एक दो जनों को बहुत बड़ी है, काफी सालों से चल रही है, लेकिन वो दबाव का पता नहीं अस्तित्व उनको क्या सिखाना, कैसे सिखाना चाहता है, मतलब क्या उसकी व्यवस्था है पता नहीं चलती है, लेकिन वो लोग उसमें से आगे नहीं निकल रहे हैं। दबाव पर्याप्त नहीं है, नहीं है, वही तो। समस्त गतियां दबाव, दबाव सम्यक दबाव भी चाहिए, है ना, सम्यक है। दबाव, अभी उनके प्रवाह के लिए उतना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। का इनर्शिया होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया रहता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया उसके मास के हिसाब से रहता है। ना इनर्शिया जो है वो उसका मास रहता है, मास ही इनर्शिया होता है। इनर्शिया बड़ा रहता है तो दबाव भी ज्यादा चाहिए रहता है। हाँ। दूसरी बात, जैसे आपने कहा ना कि बाबा जी की ये वीडियो आपके सामने आ गई, देयर इज अ लॉ ऑफ रेजोनेंस,
अनुनाद का एक नियम है, तो हम वैसे ही उसके उसी वाइब्रेशन में वो चीजें हमको मिलती रहती है। ये तो हमारे साथ रोज ही घटने वाली घटनाएं हैं, पर हमको सब में नियम को ध्यान देते रहना कि अच्छा ये नियम है ना। तो ये है बहुत सुखद, लेकिन इसमें कोई चमत्कार भी नहीं है एट द सेम टाइम, है ना। इट इज अमेजिंग बट इट इज नॉट मिस्टीरियस। ये जबरदस्त बात है, दर्शन की यही तो बात है, अमेज कर देती है आपको, मिस्ट्री को हटा देती है और आपको अमेज कर देती है, चमत्कृत कर देती है, आप चमत्कृत हो जाते हैं, चमक जाते हैं खुशी से, है ना। लेकिन चमत्कार नहीं है कुछ भी, ये मुझे बहुत जबरदस्त बात लगती है। लॉ ऑफ रेजोनेंस है अस्तित्व में, हर क्षण है वहां पर, है ना। एंड लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना। ये भी देखेंगे केमिस्ट्री के नियम से देखेंगे, फिजिक्स का नियम कुछ और कहता है, केमिस्ट्री का नियम और कुछ कहता है ना। मैं क्लास को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन फिजिक्स कहता है कि जो लाइक है ना रिपेल ईच अदर, लाइक जो एक जैसे ये होते हैं, है ना, पोल्स होते हैं, दे आर ऐसे। लेकिन केमिस्ट्री पता है क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसों के साथ आ जाते हैं। जैसे अस्तित्व में देखेंगे ना, तो सारे लोहे के जो वो है ना परमाणु, वो सब एक साथ जा करके एक लोहे का बड़ा बड़ा अणु बनाते चले जाते, और लोहा एक साथ कहीं मिलता है। अस्तित्व बहुत सुंदर है, जब अणु परमाणु के आगे स्तर पर जाते तो आपको समझ में आता है। और बाबा जी ने धनाकर्षण ऋणाकर्षण की बात नहीं करी, उन्होंने उसका रेफरेंस चेंज कर दिया, इसी किताब में आगे आएगा, है ना। सही तो, ये है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल 9 बजे, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ थोड़ा और जानेंगे, कुछ और थोड़ा सीखेंगे किसी वीडियो के माध्यम से, ठीक। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार सभी को।